What's the next question? ताइवान कभी गए हैं? मैं आलोक बोल रहा हूँ. हाय. ताइवान कभी गए हैं? Is far more used than what we do in everyday life. So I think it'll be an interesting destination to go, and hopefully I'll get a chance, and Emma will escort me there, and we'll go and see some new places. किसी खास को अगर अपने साथ ले जाना हो, तो किसे ले? अभी Emma के साथ जा रहा हूँ. Emma तो already वहाँ है. ये मुझे लेके जाएंगे. हमारे होस्ट हम वही बात कर रहे थे. तो it'll be quite exciting if I get an opportunity. Emma तो already वहाँ रहते हैं. अगर इंडस्ट्री से कोई खास जाना चाहे, पुरुष भी हो सकता है ऐसा कुछ. मैं पूरी इंडस्ट्री को लेके जाऊंगा, अपने कास्ट एंड क्रू. विलन्स अगर वहां जाए तो आपको चलना है तो आप भी चलते हैं मेरे साथ. आ जाइए. मुझसे मुझे याद आया कि हम लोगों को पार्टी कब दे रहे हैं हम लोग. हाँ वही, मैं अभी ऑफिशियल होने की वेट कर रहे हैं. अभी जैसे ही ऑफिशियल होगा हम लोग काफी एक्साइटेड हैं. इसी वीकेंड पार्टी, इसके बाद सबको एक एक बाइक पे चलते हैं हम लोग. ऑफिशियल हो गया, ये हो गया ऑफिशियल. अच्छा, हम यहाँ वेट कर रहे हैं अभी तक. हमें ऑफिशियली जब हमारे प्रोड्यूसर साहब बोले, जब बालाजी और एकता कपूर फोन करे, तो हम उसकी वेट कर रहे हैं. एक सवाल पूछूंगा. हाँ, आप शायद लीग से हटके हो. एक विलेन के बाद रितेश ने तो बैंक चोर ले ली है विलेन के तौर पे, आप क्या करने वाले? अभी आगे काफी पिछड़े कर रहे हैं वो बताऊंगा आज को. आज जैसे कि कह रहे हैं कि मैं Emma के लिए और ताइवानी प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे हूँ, तो उसके बारे में सवाल रखते हैं तो बेहतर है. सिद्धार्थ, सोनाक्षी के साथ भी एक फिल्म आने वाली है, उसके कुछ कन्फर्मेशन देंगे प्लीज? Well, like he's been reiterating, let's try and stick to Taiwan Excellence campaign today. That's why he's here, and we would want to have more questions for that, please. Yes? We'll talk. Come on, let's have a question on the campaign for this year. Yeah? I'm sure you all want to know more about the campaign. I'm sure. कैंपेन में क्या होने वाला है? ये रिलीज नहीं है, पिक्चर नहीं है कि कुछ ऐसा होगा एक फ्राइडे को. इट्स एन एसोसिएशन, जैसा कि हम पहले से देख रहे हैं. हमने काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स देखे हैं यहाँ पे आज. मैंने खुद देखे अभी कुछ देर पहले. आई थिंक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है कि ये सब प्रोडक्ट्स सिर्फ एक ही कंट्री या कोई एक ही ईस्ट कंट्री से नहीं है, जैसा हमें लगता है पॉपुलर ईस्ट कंट्री से नहीं है. ये ताइवानीज प्रोडक्ट्स हैं, एंड जैसे एसर एंड एसटीसी, मुझे नहीं पता था कि इन कंट्री से आते हैं. आई थिंक this helps us to get awareness, it helps us to buy these products, being that they are good quality, they are innovative, and it'll help the business and economy between the two countries. So I think it's a great initiative to help the common man, ki hum kya khareed rahe hain, kahan se khareed rahe hain, kis quality ka khareed rahe hain. So it's a great initiative, and hopefully Emma will come up with some great products also. I think it's very user friendly. I have never seen such a small projector jo aap pocket mein leke aap project kar sakte hain. या ऐसे इनोवेटिव बाइक्स जो आप कैरी कर सकते हैं. तो आई थिंक इनके इनकी कंपनीज के थ्रू हमें ये प्रोडक्ट्स यूज करने को मिलते हैं, ये प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं. एज एन ऑप्शन, एज अ बायर यू गेट मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स. सो आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर बिजनेस एंड इट्स ग्रेट फॉर द कंज्यूमर. I have seen in up north, दिल्ली में काफी बाइकिंग का कल्चर है. आई थिंक सिटी टू सिटी है, मुंबई में कम है. या तो अगर आप दिल्ली से और छोटे शहरों में जाओ तो वहाँ पे काफी बाइक्स दिखती है आपको. तो ऐसा नहीं है कि कल्चर नहीं है. आई थिंक बड़े शहरों में फैसिलिटीज नहीं है, मे बी ऑन द रोड टू राइड द बाइक सेफली, या डिस्टेंस में आपको लगता है, या कभी कभी वेदर ऐसा होता है जैसे कि बारिश के मौसम में ज्यादा गर्मी होती है, डजंट अलाउ इट. So hopefully, you know, the government will take initiative and give us some facilities and encourage people to ride a bike and go from place to place or office or work or wherever. And jaise aaj ki inka product hai, like a bicycle is so innovative that you can carry it to your office. You know, it's itni jagah nahi leti hai, it doesn't take so much space. It can be folded, it's very light, it can take heavy weights, you can carry stuff on it. So I think all thanks to their bike, people start riding around in Mumbai. To their homes and places, and for pleasure or for work. अभी तक मैंने कुछ सीखा नहीं है अभी तक इनकी भाषा में, सिर्फ इनके प्रोडक्ट सीख रहा हूँ और देख रहा हूँ. तो अगर आगे Emma से बातें होंगी तो हाउ डू यू से माई नेम इज सिद्धार्थ इन योर लैंग्वेज? सिद्धार्थ. Chow Siddharth. So that's easy. It's chota bhi hai. So this is one-on-one. I know what to say at the airport now. So then it's visa counter mein. Okay.
सिद्धार्थ, मैं दिव्या दक्षिण मुंबई से आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एकदम अलग इंडस्ट्री से हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री है, यहाँ इस जगह आज आप कैसे? वेल, इन्होंने जैसा कि कहा इंडस्ट्री सेम नहीं है, पर एक अवेयरनेस के लिए है, एक एज अ कंज्यूमर मैं हूँ यहाँ पे, कि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी कंपनीज जो हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे अपने एवरीडे लाइफ में, इनकी कंट्री से बन के आ रही हैं इन्होंने, और एक ही नहीं ऐसी मल्टीपल कंपनीज है. तो बींग अ कंज्यूमर एंड ट्राइंग टू हेल्प देम टू ब्रिंग अवेयरनेस विद इन द यंगर लॉट, यू नो, विद इन द यंगर ऑडियंस or the youth, I think we all need to be aware of what we are using and where it's coming from, and to promote these products. I think they deserve full backing from somebody like me, I think, because they're highly practical, they're very innovative, and they're very reliable, and it's just people are not aware of it. So I'm here, whatever I can do in my bit to bring out the awareness. आप अपनी निजी लाइफ में आप इन इलेक्ट्रॉनिक या किस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज करना पसंद करते हैं? काफ़ी यूज़ करें हैं, इनके पेन ड्राइव्स हो या इनके कंप्यूटर्स हो, जो ये कहते हैं. बाकी प्रोडक्ट्स जैसे मुझे मालूम नहीं था, होपफुली आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड एंड कीन टू ट्राई द प्रोजेक्टर, कि कैसे पॉकेट से निकल के आप इतने बड़े स्क्रीन पर्दे पे आप कुछ भी दिखा सकते हैं, या इनके जो बाकी हमने देखा. मैं एक्चुअली बाइसाइकिल बार बार कह रहे जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे दिमाग में बाइसाइकिल चल रही है, तो बाइसाइकिल अगर हो, अगर मेरे को मौका मिले तो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. व्हाट अबाउट दैट बेबी कैमरा? बेबी कैमरा, हाँ बेबी कैमरा, मेरे अभी बेबी तो बहुत दूर की बात है, बाबा कैमरा है, वी विल यूज इट एडल्ट कैमरास, सो लेट्स सी, दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू यूज इट आल्सो. ओके, थैंक यू. हेलो सिद्धार्थ, वी हैव वन लास्ट क्वेश्चन. सिद्धार्थ, अदित्य रानी, अगर प्रोडक्ट की बात चल रही है तो आप कितने बड़े ब्रांड फ्रीक हो, उसके बारे में बता सकते हो? ब्रांड फ्रीक? हाँ. गैजेट फ्रीक? हाँ. काफ़ी, आई थिंक आज के दिन में हम लोग बिना गैजेट्स के नहीं रह सकते, हर किसी की लाइफ में, स्पेशली अर्बन सिटीज़ में बहुत अलग अलग किस्म के गैजेट्स हैं. एक तो अपना सबसे कॉमन है सेलफोन हो, फिर अगर इनके जैसे अगर इनोवेटिव गैजेट्स हो जो कौन नहीं यूज़ करना चाहेगा. आई थिंक हम लोग सब चाहते हैं कि चाहे वो बीवी कैमरा हो जो आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो छोटा इनका प्रोजेक्टर हो, या इनकी बाइक हो. मुझे पर्सनली जो काफ़ी इंटरेस्टिंग गैजेट्स हैं, हम लोग के सबके पास एंटरटेनमेंट गैजेट्स बहुत हैं, चाहे अगर मैं ब्रांड का नाम लूँ, एक डिवाइस आता है जो आपको आपके सेम इंटरनेट देखने को मदद करता है आपके आपके टीवी पर, या आपके पेन ड्राइव्स हो जैसे बनाते हैं टू होल्ड म्यूजिक एंड डेटा फॉर अस, बहुत सारे ब्रांड्स हैं. रिसेंटली एक हेडफोन्स देखे हैं मैंने जो वाटरप्रूफ हैं, जो आप पहन सकते हैं बारिश में भी भागते वक्त. तो आई थिंक टेक्नोलॉजी इज ओनली गेटिंग बेटर एंड बिगर, एंड इट्स ओनली गोना हेल्प अस टू एंजॉय व्हाटएवर वी वांट टू बी, इट एंटरटेनमेंट ऑफ अ वर्क एनी टाइम एंड एवरी टाइम. आई थिंक एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, ऑल थैंक्स टू देम दैट वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन इंडिया. अगर इनकी कंपनीज नहीं होती तो हम शायद ये प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर पाते. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, होपफुली दे विल कीप मेकिंग बेटर एंड कूलर प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन कंज्यूमर्स. थैंक यू. आज बजट है, करेक्ट, अभी आज चल रहा है. आई थिंक रिक्वायरमेंट एज अ कॉमन मैन वी वुड से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफ वट एवर दे एलोकेट. आई थिंक जितनी हमें जानकारी है या जितनी हमें इफेक्ट करता है, सब देखते हैं टैक्सेस पे कि कितना टैक्सेस हो, एंड मोर देन आई थिंक पेइंग टैक्सेस और इंक्रीजिंग टैक्सेस और डिक्रीजिंग देम, मी एज अ कंज्यूमर वुड लाइक टू सी इम्प्लीमेंटेशन. जो भी हम लोग जितना भी पैसा लगा रहे हैं एज टैक्सेस पे करते हैं, कि हमें क्या सर्विसेज वापस मिल रही है. Being a greedy consumer, I would like to see that what we get back, and I know it's not going to happen overnight. कि एक रात की बात नहीं है या बहुत ही naive thought होगा कि कल ही कुछ बदल जाएगा. But hopefully, जैसा कि कहते हैं कि अच्छे दिन आ जाए. अभी आज अच्छा दिन है कि नहीं ये पता चलेगा, अभी चल रहा है, तो we're all hoping for those good days. So that was the last question. Yeah, Siddharth, I don't have a question, but the thought just came spontaneously. Like I saw your liking for the bike and all. You are undoubtedly an inspiration for the youth, and bicycle is the future of the country, like with the environment benefits, the health benefits, and the social benefits. On behalf of Firefox, in turn, I would like to gift this bike to you. Woo! If you can. Hey, thank you, sir. So, that's really sweet of you, and we'll ride it together. Yeah, ride it out from definitely.
your address from Iowa and definitely. Oh, wow, that's really sweet. Thank you. Thank you. This is great. Now I should have praised some other product right now. If you told me. Aapke paas gaadi nahi hai? Acha. Jaldi aayegi. Acha. Without questions, can just come forward.